चेक चेक। दोनों में बहुत भाई में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिहर भाई साहब। आज हम हैं जी पटियाला में आज्ञा सिंह का ढाबा पे, और यहाँ पे जो खाना मिलता है इतना ज़्यादा जायकेदार, इतना ज़्यादा बढ़िया होता है। आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। आज बहुत मज़ा आने वाला है। साथ जी, नाम क्या है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर से। सर दिखाइए क्या क्या सब्जियाँ रहती है अपने पास। ये है जी शाही पनीर यहाँ का, ये है जी यहाँ की दाल मखनी। भाई साहब क्या बढ़िया सब्सटैंशियल खतरनाक दाल मखनी बनी हुई है। कढ़ी पकौड़ा भाई साहब, वाह क्या बात है जी, एकदम गाढ़ी कढ़ी है, एकदम मसालेदार, खड़े मसाले वाली। ये है, ये क्या है सर? ये है जी कढ़ाई पनीर। और भाई साहब क्या मस्त कढ़ाई पनीर है, देखो एकदम बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा कढ़ाई पनीर है। बीच में प्याज है, शिमला मिर्च और पत्नी क्या क्या है, बहुत कुछ है। ये है जी चिली सोया, वाह वाह वाह, सोया चिली है जी। ये है जी पीली दाल, पीली मूंग की दाल है जी, मूंगी की दाल है जी। ये एकदम ढाबा स्टाइल बढ़िया वाली प्यारी प्यारी पीली दाल है जी। और क्या है सर? ये है जी मलाई कोफ्ता ग्रेवी। भाई साहब क्या मज़ेदार लग रही है। कोफ्ते जो है वो अलग फ्राई करके रखे होते हैं, रसीले राजमा बढ़िया वाले एकदम गाढ़े गाढ़े। ये है जी मिक्स वेज, वाह उस्ताद जी बहुत बढ़िया। ये है जी चना मसाला, एकदम बढ़िया तरीके से मसालेदार सब्जियाँ बना के रखी हुई हैं। ये क्या है सर? ये पालक पनीर है। इसमें है जी मटर पनीर। ये है जी जीरा आलू, दिखाइए दिखाइए। दाल जो है वो इसमें बनती है जी, इसके अंदर दाल बनाई जाती है। और पीतल का एक बहुत ही बड़ा सा ये बर्तन है। ब्रश देखो यहाँ पे क्या मज़ेदार, एकदम दिस इज फुल ऑफ पीपल, एवरीवन वांट्स देयर फूड एंड एवरीवन वांट्स इट नाउ। भाई साहब ये बन रही है यहाँ की स्पेशल पनीर भुर्जी। कढ़ाई के अंदर एक मसाला आ गया तड़के वाला, और तेल और ये पनीर को क्रश करके भाई साहब बीच में डाल दिया। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ एक्शन। आई विश मैं थोड़ा सा स्लो बोल पाता और आपको सब कुछ दिखा पाता, बट भाई साहब बहुत तेज़ तेज़ बात करनी पड़ी है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रैप। ओ वाह वाह वाह, ये आ गई क्रीम और ये बढ़िया सी पनीर भुर्जी बन के तैयार हो गई है जी। ये आ गए जी मसाले सारे मिक्स करके, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे स्पीड का मामला है, सारा कुछ फटाफट से बनना चाहिए। जो लोग हैं ना खाने वाले, दे वॉन्ट देयर फूड एंड दे वॉन्ट इट राइट नाउ, दे आर सुपर सुपर हंग्री एंड एवरी वन वॉन्ट्स इट एएसएपी। ये आ गई जी एक ग्रेवी, और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया अब। वाह पनीर भुर्जी जो है ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है। ये आ गया जी अदरक और धनिया, देखो इतनी स्पीड है कि मैं हरिया भी बोलना भूल गया। ये आ गया जी पनीर, आपकी पनीर भुर्जी बन के तैयार है जी। सत श्री अकाल सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। कब से शुरू हुआ है ढाबा? 1952 का है ये, हमारे फादर साहब का नाम है सरदार आज्ञा सिंह, उन्होंने शुरू किया था 1952 में, और कब से चल रहा है। समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहा है। खाने में चार आइटम ही मशहूर होती है ज़्यादा, बाकी बनता तो बथेरा कुछ है। शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, दाल मखनी है, चना मसाला है, फेमस है बहुत, ग्राहक की पसंद पे जो चीज़ चलती है वो। उस्ताद जी अब बना रहे हैं जी मशरूम मसाला। सबसे पहले तो तेल के अंदर आ गया जी मशरूम कटा हुआ, अच्छे से हो गया जी मिक्स। भाई ये जो जगह है ना, इट्स लोडेड विद पीपल, आई विश आई कुड टेल यू कि क्या वाइब है। ये आ गया जी मसाला, ओए होए हो नेक्स्ट लेवल। उस्ताद जी जो है उधर इकट्ठे करके मसाले लेके आते हैं अंदर से छिपा के, और डालते हैं जी नमक और हल्दी और लाल मिर्च और एक सीक्रेट मसाला है कोई। और ये एक ग्रेवी है जो हर चीज़ में डाल रहे हैं, टमाटर प्याज की ग्रेवी है शायद, इसमें काजू भी है, काजू की है, काजू की ग्रेवी है जी उस्ताद जी बता रहे हैं। और ये आ गई जी क्रीम, ये आपका मशरूम मसाला जो है ये बन के तैयार है भाई साहब। ये गर्मी में भी सर्दी का एहसास आ गया आपको? थोड़ा सा काम था पहले, चाय का काम था, चाय के काम से बाद खाने का काम शुरू हो गया। चाय भी हमारी बहुत फेमस है, हमारा पैकिंग का काम बहुत बढ़िया है। भाई साहब आपने बहुत जगह पे तड़के वाली कढ़ी देखी होगी, ये देखो तड़के वाले कढ़ी चावल। ये आ गए जी चावल कढ़ी के अंदर सीधा, ये ऊपर से आ गया जी तड़का, तड़के वाले कढ़ी चावल। और भाई साहब स्पीड देखो यहाँ पे, उस्ताद जी की जो स्पीड है वो खाने वालों से थोड़ी सी कम है बस। ये आपके कढ़ी चावल तड़के वाले बनके तैयार। कब से फादर साहब की डेथ हुई है, 87 में डेथ हुई है, उससे 3-4 साल पहले बैठने शुरू कर। उस टाइम तो ऐसा था कि आप ही सब्जी लेने जाता पड़ता था सारा काम, अब तो सारा काम फ़ोन पे। अब जैसे जैसे काम बढ़ जाता है
मैनेजमेंट हो जाती है आगे से आगे। ये बन रहा है जी उस्ताद जी का स्पेशल पनीर बटर मसाला। सबसे पहले खोया और मक्खन आ गया जी कढ़ाई के अंदर, खोया और मक्खन आ गया जी कढ़ाई के अंदर। भाई साहब बहुत ही फटाफट से सब कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ये आ गया जी देसी घी, वाह। ये आ गई जी कसूरी मेथी और ये आ गए जी पनीर के क्यूब्स, बहुत बढ़िया। इधर ये वीडियो बन रही है, इधर ये मैं वीडियो जो है पब्लिक कर रहा हूँ भाई साहब बैक टू बैक। इधर हमारा भी काम चल रहा है भाई। ये उधर से आएंगे जी कुछ मसाले, ये आ गए जी मसाले, इसमें तीन चार मसाले मिक्स है और नमक है और काली मिर्च है। ये है जी एक वाइट ग्रेवी जो उस्ताद जी ने उधर से छुपा के डाली है क्योंकि उधर पड़ी थी। ये आ गई जी भर भर के क्रीम, वाह क्या मजे मजे की पनीर की सब्जी बन रही है भाई साहब, मजेदार एकदम लजीज। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी जो है वो भी बन के तैयार है जी, बढ़िया। टाइमिंग हमारा लंच और डिनर है, सुबह 11:30 से 11 शाम 4 बजे तक और शाम को इवनिंग 7 से 10 बजे तक। ये ढाबा शहर के बीच सेंटर में है, मेन चौक है पटियाले शहर का अनारदाना चौक, उसके बिल्कुल सामने है कार पार्किंग, एसी मार्केट की कार पार्किंग उस कॉर्नर पे है। ये लग रही है जी देसी घी दाल, पैन बहुत ही ज्यादा तेज आंच पे है और देसी घी में आ गया जी प्याज, ये आ गया अदरक थोड़ा सा, अच्छे से हो गया जी मिक्स, टमाटर का मसाला। ओहो वाह 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 भाई साहब, 46 डिग्रीज टेम्परेचर टर्न इनटू 86 डिग्रीज बाय उस्ताद जी। और वो रहे उधर से दाल डाल रहे हैं उस्ताद जी, ये आ गई जी दाल हमारे पास और क्या शोले। ये देसी घी दाल तड़का जो है बन के तैयार है जी। ओहो और ये बन रहा है जी यहाँ का मलाई कोफ्ता, भाई साहब ये बड़ा मशहूर है यहाँ पे। सबसे पहले ग्रेवी के अंदर सीधा कोफ्ते आ गए जी, बढ़िया से बने हुए। ये सर क्या घी के कोफ्ते? ये पनीर के कोफ्ते हैं जी। ये आ गई जी भर भर के क्रीम और क्रीम के आने से पूरा माहौल ही बदल गया, रंग बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मसाले ना उस्ताद जी जो है कटोरी के अंदर डाल के सारे मिक्स करते हैं। ये आ गया जी बटर, गर्मा गर्म छींटे पड़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है 86-87 डिग्रीज हो रहा है। ये आपका मलाई कोफ्ता भी बन के तैयार है भाई साहब, वाह मजेदार। यहाँ पे उस्ताद लोग जो है वो कवाली भी करते हैं और गजल भी करते हैं ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात, तो क्या बना रहे हैं सर? सिंपल रोटी। सिंपल रोटी लग रही है, ये सिंपल रोटी लग रही है जी, बढ़िया। और साथ में ये देखो कवाली हो रही है सर, कवाली के लिए ताली जरूरी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, वाह ये देखो भाई साहब, इतनी स्पीड से फटाफट से सारी की सारी तंदूरी रोटियां इधर से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं। और ये लग रही है जी मिस्सी रोटियां। उधर से देखो उस्ताद जी जो हैं बढ़िया सी तंदूरी रोटियां बना बना के इधर रखते जाते हैं। भैया निकालेंगे? निकालिए, अभी निकालते तो। जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए इधर मिस्सी, ओ भाई साहब ये तो तालाब बना दिया सर आपने मक्खन का। हां जी, क्या बात है। ये क्या सब्जी है सर? चना मसाला है जी ये, वाह बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, आप देखो थोड़ी फोटो, उस्ताद जी कह रहे हैं हमारी फोटो डाल देना। ये देखो उस्ताद जी हंस के दिखाओ। इधर है जी तवा रोटी का सेक्शन, उस्ताद जी क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी, ये तवा बहुत बढ़िया आपने सेटअप करके रखा है। इधर तवे की रोटियां बनती हैं और ये देखो इधर ना जो सेक है वो थोड़ा थोड़ा ये होल्स में से आता है ताकि एक बढ़िया सी लुक आ जाए रोटियों के ऊपर। बहुत स्वाद तवा रोटियाँ बननी है इधर। और इधर जो तंदूर है ये है जी नान का तंदूर, इसमें लच्छे पराठे और नान बनते हैं। क्या बात है उस्ताद जी, सेक्शन है ये नान का और लच्छे पराठे का सेक्शन है और लंबे लंबे बड़े बड़े तंदूरी नान लच्छे पराठे बन के निकलते हैं और ये सीधा जाते हैं मक्खन लगने। देसी घी लग रहा है जी नान के ऊपर, मक्खन नहीं है। ये है जी आज का हमारा स्वाद वटांदरा। सबसे पहले तो ये है जी कोफ्ते, ये ना पनीर के कोफ्ते हैं और जो ग्रेवी है वो काजू मगज की ग्रेवी है। ये है जी चिली सोया, ये भी एक मतलब पहली बार ही देख रहा हूँ मैं कि एक जैसे एक डाइन इन सेटअप में या एक ढाबा पे ये सोया जो होते हैं सोया चंक्स होते हैं उनको चिली पनीर की तरह बनाया हुआ है। ये जो है जी ये है दाल मखनी और भाई ऊपर से मक्खन ना ऐसे लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल होता है मक्खन का, इतना भर भर के मक्खन डाला हुआ है। ये इधर सलाद है जी, ठीक है। ये है तवा रोटी, बिकॉज यहाँ पर तवा रोटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो मैंने सोचा तवा रोटी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये है जी पनीर की भुर्जी,
उस्ताद जी ने बहुत ही स्पेशल पनीर की भुर्जी बनाई थी, मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाऊं या ज़रूर बताऊं कैसी है। लेट्स टेक अ बाइट ऑफ द तवा रोटी। ये है जी तवा रोटी, और तवा रोटी हम सबसे पहले डालते हैं ये चिली सोया के अंदर, प्याज डाइस करके फिर उसका चिली सोया बनाया हुआ है। हियर गोज। ये जो न्यूट्री है ना, जो सोया चंक्स हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो जिस फॉर्म में इसके अंदर पानी जाता है उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारा फ्लेवर है ऑफ केचप, जो वो चटपटा फ्लेवर होता है। प्यारा फ्लेवर है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, सिंपल इजी ऑन योर सिस्टम रेसिपी है, बढ़िया है, मज़ेदार है। आपको कोफ्ता दिखाते हैं, ये इधर से ये तोड़ते हैं जी कोफ्ता पनीर वाला। ओह अंदर देखो, ओ भाई साहब मज़ेदार, एकदम हार्ड एकदम टाइट कोफ्ता है, सॉफ्ट नहीं है, टेंडर नहीं है। मेरी उंगली बता रही होगी आपको कि कितनी गाढ़ी कितनी सब्सटेंशियल ग्रेवी है। ये स्वाद में ट्रांसफर करने से पहले आई एम सो ग्लैड कि मैं हाथ धो के आया था, क्योंकि वाकई में ना उंगलियां चार जाने वाला खाना है, ऐसा खाना है, बहुत ही बढ़िया है। मलाई कोफ्ता का जो फ्लेवर है एकदम लो ऑन मसालाज है, काफ़ी क्रीमी है, चटपटा नहीं है, मसालेदार है, बहुत बढ़िया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 पनीर की भुर्जी। अच्छा पराठा खिलाऊं? नहीं सर, नहीं, थैंक यू जी, नहीं। ये भैया जो हैं, भैया को दिखाइए, ये भैया जो है बहुत ही स्वीट भैया। भैया आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह जी कहाँ से आप? लखनऊ। अरे भाई साहब, आपकी जो मेहमान नवाजी है ना वो आपके शहर से है, है ना, बहुत बढ़िया। राम सिंह जी लखनऊ से है जी, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें जो मेहमान नवाजी है वो दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पहले खाना अच्छा नहीं था, आपने जब जिस तरीके से परोसा है ना वो अच्छा हो गया, परोसने से और स्वाद हो गया। हियर्स अ बाइट विद द पनीर भुर्जी, हियर गोज। मसाले डाल रहे हैं ना वो पीछे जाके, वो जो कढ़ाई के अंदर से मसाले लेके आते हैं, वो मसाले बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। जो खड़े मसाले हैं ना उनका एक कॉम्बिनेशन है, दरदरा मसाला बनाया हुआ एक, और वो हर चीज़ में आपको फील होगा जब आप यहाँ पे खाने आओगे। दाल मखनी दिखाते हैं, ये है जी स्विमिंग पूल वाली दाल मखनी। हियर्स अ बाइट। ओहो, इट्स ड्रिपिंग ड्रिपिंग ड्रिपिंग। सबसे बढ़िया यहाँ की दाल, सेकंड पनीर, थर्ड ये चिली सोया, और फोर्थ कोफ्ता। मतलब अगर आप यहाँ पे आते हो तो दाल जरूर ट्राई करो, पनीर की भुर्जी जरूर ट्राई करो, सोया चंक्स आप ट्राई कर सकते हो, कोफ्ता आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे खा चुके हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, अगर आपने नहीं खाया तो कमेंट करके ये बताओ कि आप कब आ रहे हो। हम आपको मिलते जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साड़ी आ रही है तो जौदा हजदाते बसदा रहे, साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो कि अमृतसर में मेरा फेवरेट ढाबा कौन सा है तो ये है जी वो वीडियो।